हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्णाज रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी सी यम्मी सी डिश। और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड मैंगो पुडिंग, जिसके लिए हमने लिया है ब्रेड की 4 स्लाइस और साथ में लिया है 2 आम। आम आपको एकदम मीठे वाले अच्छे क्वालिटी के लेने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक आम लेंगे और आम को हम छील लेंगे और छील करके इसके बारीक बारीक पीसेस में इसको कट कर लेंगे और एक आम को हम छील करके इसका पल्प बना लेंगे। हम मिक्सी में डालेंगे आम के टुकड़े, थोड़ा सा डालेंगे इसमें चीनी और आम का पीस करके पल्प बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने एक मैंगो को मिक्सर में पीस करके इसके गाढ़े से प्योरे बना करके तैयार कर लिए और साथ ही हमने एक मैंगो को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। ब्रेड मैंगो पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीले में रखेंगे दूध गर्म करने। तो गैस को हमने ऑन कर दिया है। तो हमने अभी लिया है इसमें 2 कप फुल क्रीम मिल्क। तो अब हम इसमें उबाल आने देते हैं। देखिए, दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 बाउल चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी लीजिए और चीनी को 2 मिनट तक दूध के साथ पका लेंगे। हमने एक बाउल में लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप इसके बदले कॉर्नस्टार्च ले सकते हैं या तो आप इसके बदले कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। तो हमने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हम इसमें डालेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा किया हुआ दूध और इसको डाल करके इसका एक घोल बना करके तैयार कर लेंगे। हमें इसमें जो दूध लेना है एकदम नॉर्मल लेना है, गर्म दूध बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि कस्टर्ड पाउडर सबके घर में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन कॉर्नफ्लोर से भी ये डिश बहुत अच्छी बनती है। तो हमने कर दिया इसे मिक्स। देखिए, दूध में बॉयल आ गया है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारा कॉर्नफ्लोर का घोल और इसको लगातार मिक्स करेंगे, क्योंकि जैसे इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे ये गाढ़ा होने लगेगा और ये तली में चिपकने लगता है। तो हम इसको 1 उबाल आने तक पका लेंगे। देखिए, डालते बराबर ये काफ़ी गाढ़ा होने लग गया है। तो बस हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। देखिए, जो हमारा कॉर्नफ्लोर वाला घोल था जिसे कि हमने 2 मिनट तक पका लिया है और काफ़ी अच्छे से ये पक गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा कॉर्नफ्लोर वाला घोल ठंडा हो रहा है, तब तक हम ये जो ब्रेड है इसकी स्लाइस ले लिया है हमने और इसके किनारों को हम अलग कर लेंगे। देखिए, हमने ब्रेड के ब्राउन किनारों को अलग कर लिया है। आप इन किनारों को फेंकिए मत, आप इसको मिक्सी में पीस करके इसका ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर सकती है और जब भी आप कुछ रेसिपी बनाए तो आप उसमें डाल सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये ब्रेड है इसको हम 4 पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए, जो हमारा कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है एकदम ठंडा हो गया है और काफ़ी गाढ़ा हो गया है। आप कॉर्नफ्लोर के बदले इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर या तो फिर मैंगो कस्टर्ड पाउडर भी ले सकती हैं। हमने मिक्सी के एक जार में कॉर्नफ्लोर के मिश्रण को डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा जो मैंगो पल्प था उसको भी इसमें डाल देंगे और दोनों को एक बार मिक्सी में चला लेंगे, जिससे कि हमारे जो दोनों मिश्रण है अच्छे से एक सार हो जाए। तो इसे अब एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। हम अपने इस मिक्सचर में डाल देंगे 2 से 3 बूंद मैंगो एसेंस की। आप इसके बदले रोज एसेंस भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद नहीं फ्लेवर तो आप बिल्कुल मत डालिए, या आप इसमें एसेंस के बदले इलायची पाउडर या जायफल पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए, ये हमारा पुडिंग के लिए मैंगो और कस्टर्ड का घोल बनके तैयार है। तो बनाते हैं ब्रेड मैंगो पुडिंग, जिसके लिए हमारे ब्रेड भी कट के तैयार है, हमारा मैंगो कस्टर्ड भी तैयार है और हमारे मैंगो के पीसेस भी तैयार हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कंटेनर, आप इसमें कोई भी पॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा मैंगो का कस्टर्ड।
इसके बेस पे डाल देते हैं नीचे में। देखिए हमने अपने पॉट में एकदम पतली सी लेयर कस्टर्ड के डाल दिए। अब हम जो हमारी ब्रेड की स्लाइस है उसको इसके ऊपर जमा देंगे। हमने ब्रेड के स्लाइस को जमा दिया है। अब इसके ऊपर फिर से हम डालेंगे एक कस्टर्ड की लेयर। ब्रेड को पूरा कस्टर्ड से ढक देंगे। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं रखनी, इसको भी हम पतली लेयर ही रखेंगे। देखिए ब्रेड पर हमने कस्टर्ड की लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमारे आम बारीक कटे हुए थे पीसेस, इसको इसके ऊपर डाल देंगे। हमने इस पर मैंगो की लेयर लगा दी है। अब फिर से हम इस पर लगाएंगे ब्रेड की लेयर। इस तरह से इस प्रोसेस को आप 2 से 3 बार कर सकती हैं। जितनी आपकी मर्जी है उतनी बार आप इसके लेयर को लगा सकती है। हमें सेम प्रोसेस को दोहराना है। ये हमने दूसरी लेयर ब्रेड के लगा दी है। अब इसके ऊपर डाल देंगे फिर से मैंगो कस्टर्ड। देखिए हमने अच्छी तरीके से कस्टर्ड की लेयर डाल दी है। इस तरह से आप 2-3 लेयर जितनी आप चाहे उतनी लेयर आप इसमें लगा सकते हैं। और ऊपर से डाल देंगे हम कटे हुए आम के टुकड़े। देखिए हमने अच्छी तरीके से इसमें आम की लेयर भी लगा दिए। अब इसमें डाल देंगे कुछ बारीक कटे हुए टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स। तो इसकी भी एक लेयर डाल देते हैं ताकि दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगे और खाने में भी बहुत टेस्टी लगे। देखिए हमने ब्रेड मैंगो पुडिंग पर ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी की लेयर लगा दी है और दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। और हमारा ब्रेड मैंगो पुडिंग बनके तैयार है। अब हम इस पर लगा देते हैं ढक्कन। आप चाहे तो इसके ऊपर में फॉइल पेपर से भी इसे कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर लगा देते हैं लिड, एयर टाइट कंटेनर ये, और इसे 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारी ब्रेड मैंगो पुडिंग है बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हमने 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख दिया था। हमें इसे बहुत ज़्यादा सेट नहीं करना है क्योंकि ये आइसक्रीम बन जाएगी। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। बहुत ही यम्मी लग रही है, कितनी मस्त दिख रही है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। और उसके लिए इसकी जो लेयर है देखिए अलग अलग दिख रही है। तो अब हम इसे रख देते हैं सर्विंग प्लेट में।